सुबह सुबह दादी तैयार हो गई मार्केट के लिए, क्योंकि ना दादी की थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है। आई तेरी हाय करो। हाय, सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से, और मैं संतोष सिंह दोसाथ की तरफ से प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आगे भी बढ़िया रहना। दोस्तों आप लोगों ने मेरा कुछ दिन पहले का ब्लॉग देखा होगा, जिसमें कि मैं यहाँ से बागेश्वर गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिल गई थी। तो वैसे तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन दुख भी हुआ कि भाई उसकी शादी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं, सब लोग खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो सबको अधिकार है खुश रहने का। तो आज जो है कुछ इस तरह से मैं जा रहा हूँ फिर से बागेश्वर की तरफ को, क्योंकि ना दादी देखी होगी आप लोगों ने अभी मॉर्निंग में, दादी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई है। तो वैसे तो आज मैं जाने वाला था यहाँ से वलिया फ्लावर की तरफ को, जहाँ की हमारा ट्रैक होने वाला था, लेकिन दादी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो अभी मुझे बागेश्वर के लिए जाना पड़ रहा है। और अभी जो है मॉर्निंग के लगभग 9 बज चुके हैं, और मेरी जो है कमल भाई से बात हो चुकी है। कमल भाई जो कि ये अस्पताल में, मतलब जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर उनसे बात हो चुकी है। बोलते आ जाओ आज अस्पताल खुला है, क्योंकि आप लोगों ने परसों देखा होगा मैं वहाँ गया था, तो वो बोल रहे थे सरकारी काम सारे बंद हैं, तो इसलिए मैंने कॉल करके पूछा। तो बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं, सारे अस्पताल जो है खुल रखे हैं। तो अभी जो है जा रहे हैं बागेश्वर की तरफ को। फाइनली अम्मा मेरे साथ जो है पहली बार पहली राइड मारेगी, तो अभी जो है ना मेरे साथ पहला पोपट हो चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हो गोप्रो तो लगा रखा है मैंने, बट गोप्रो में चार्ज ही नहीं है भाई, और मैं डेटा केबल भी लाया, इसका डेटा केबल भी घर ही रह गया है, और इसमें चार्ज भी नहीं है। अब पता नहीं कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को। A few minutes later. और फाइनली अभी जो है दादी लोगों का नंबर लगा दिया यहाँ पे, और नंबर लगाने वाले हमारे कमल भाई, जिनका कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि इन्होंने घर से ही नंबर लगा दिया, बाकी वरना इतने सारे भीड़ का जो है यहाँ पे सामना करना पड़ता। हाँ हमें गाड़ी में भेज दें, दोगे गाड़ी में भेज देनी, क्योंकि दादी बोल रही है घर जाते समय बल मैं गाड़ी में जाऊँगी बल। और आप लोगों ने कल के एक वीडियो में देखा होगा मेरे, जिसमें कि मैं मार्केट आया था इधर समाज कल्याण अपने थोड़ा सा काम के लिए, तो यहाँ पे मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जो कि पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो वो वीडियो मैंने जब अपलोड किया तो मैंने थंबनेल भी उसी का लगा दिया। अब जब इतना मतलब बड़ा मेरे को कॉन्टेंट मिला था तो उसका तो बनता ही था, तो उसमें जो है ना काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट आ रहे थे, शायद आई थिंक उसके रिलेटिव्स ही थे वो लोग, तो उन लोगों के कॉमेंट आ रहे थे, तो प्रेशर में आके मैंने वो वीडियो जो है ना डिलीट कर दिया अभी, मतलब हटा दिया यूट्यूब से। और वैसे मुझे झंझट भी नहीं पालना है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, और वैसे भी उसकी शादी होने वाली है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके लिए गलत है, तो मैंने उसके चक्कर में वो वीडियो जो है अभी डिलीट कर दिया है। तो अब जो है होपफुली उन लोगों को परेशानी नहीं होगी। ग्लूकोज चढ़ावे, जो कमजोरी बहन है कमजोरी दूर जाए, ग्लूकोज चढ़ावे। दादी को थोड़ा घबरा रही है ना, बोल रही कि ग्लूकोज चढ़ाएंगे बल, क्या होगा चक्कर आएगा मेरे को बल, मैं घर जाते समय गाड़ी में जाऊंगी बल, बाइक से जाऊंगी तो चक्कर आ जाएगा बल मेरे को। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ग्लूकोज चढ़ाएंगे ना कमजोरी दूर रहती है उससे। और मुझे पूरा ये ब्लॉग ना इसी फ़ोन के भरोसे चलाना है, जिसमें कि अभी 32% चार्ज है, और मेरा गोप्रो भी डाउन है बिल्कुल, साथ में ही मैं पावर बैंक और ना चार्जर कुछ नहीं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो पूरा ब्लॉग जो है इसी के भरोसे चलने वाला है। अभी यहाँ पे चेकअप करने में नंबर आने वाला था, तो उसमें जो है काफ़ी टाइम लग गया था, तो उतने में मैं यहाँ पे चले गया थोड़ा सा सर्विसिंग कराने के लिए, और सर्विसिंग करा के बिल्कुल मस्त करके अभी आ रखा हूँ यहाँ पे, और दवाई लेके जा रहे हैं अब घर की तरफ को, क्योंकि ना चेकअप फाइनली हो चुका है, और थोड़ा बहुत तकलीफ थी, पेट में दर्द वगैरह था, तो सारा कुछ हो गया, दवाई वगैरह ले ली है थोड़ा सा, हालांकि अल्ट्रासाउंड कराने की सोच रहे थे, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, तो नॉर्मली दवाई लेके अभी चल दिए घर की तरफ को। हालांकि अभी दादी मेरे साथ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे लग रहा है ग्लूकोज चढ़ाने के बाद ना थोड़ा चक्कर वगैरह का सीन हो रहा है, तो ताऊ की गाड़ी को रोक रखा है मैंने, ताऊ की गाड़ी में जो है भेजूंगा अब दादी को। और टैक्सी स्टैंड में अभी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखो हमें कौन मिले, हमारे बुबू जी, बुबू हाय हाय, हमारे बुबू जी देखो नतड़ी के साथ, नतड़ी को आइसक्रीम खाने जैसी लगी, तनु कशनो कशनो। अभी खाना नहीं खा रखा है, तो अम्मा को भूख लगी है खतरनाक वाली, ये देखो खाना खा लिया, खाया क्या, छोले समोसे खाया, खाना नहीं खाया नहीं। घर जाके खाओगे, घर जाके कौन, किसने बनाया, शाम को खाऊंगी। ओह शिट, दुकान बंद, दुकान बंद है आज, दुकान बंद है आज, दुकान बंद है, ताला लगा रखा है दो, फिर दो ताले लगा रखे दो, दुकान में कोई चोरी कर देगा वहाँ, दुकान में नहीं अपनी चौखट पे, अपनी चौखट पे, चलो दुकान तो खुली है, वहाँ खाओ पियो मस्त करो, वहाँ अंदर चूहे डाल रखे हैं, चूहे डाल रखे हैं।
आज क्या काम बढ़िया था अरे सुमन ट्रांसफर आ गए ओ माय गॉड वो गाड़ी चली गई सामान घर आ गया अरे अच्छा आपका है मैंने बच्चों का समझाया है ब्रांच खुला है ना दूसरा उसका खुद का जो हॉस्पिटल है हाँ। जिसका हॉस्पिटल है उसका ब्रांच खुल रहा है तो शायद उसमें वो सिलेक्शन हो सकती है अच्छे से चलो भाई सुबीधि का ट्रांसफर हो गया यहाँ से हल्द्वानी में अब हल्द्वानी की हवा खाएंगे बागेश्वर की हवा छोड़ के हल्द्वानी की गर्मी सड़ी गर्मी की हवा खाएगी वहाँ कोई नहीं अब तो सर्दी आ गई है कल का जो ब्लॉग देख के ना काफी भाई लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई आपने जो है तालीम तो दिखाई बट तालीम जो है आधे ही दिखाई मतलब तालीम पूरे नहीं दिखाए इस तरह से जो है भाई लोगों के मैसेज आ रहे थे और मैं आप लोगों के जो मैसेज हैं आप लोगों के बातों का सम्मान करता हूं और मैं आज जो है आप लोगों को तालीम जो है दिखाने की कोशिश करूंगा और वहां पे जो पात्र लोग हैं उन लोगों से परिचय कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों का और राम के पात्र लक्ष्मण के पात्र इस तरह से मैं आप लोगों को मिलाऊंगा और बाकी शॉर्ट ब्लॉग तो बनाए थे मैंने लेकिन उसमें एक मिनट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाता हूं तो अभी लॉन्ग ब्लॉग के माध्यम से जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश करूंगा और कुछ इस तरह से देख पा रहे आजकल जो है धान की फसल भी जो है पक चुके हैं और लोगों के जो है धान काटना भी होने लग गया है इधर मतलब लोग धीरे धीरे धान काटने लग गए हैं और ये सारे शहर जो है खाली हो जाएंगे गोलू कहाँ शहर है कहाँ शहर है अब मेरे पीछे ए मंजुलिका ये है हमारे लक्ष्मण के पात्र बबलू सिंह दोसाज जी जय श्री राम और यहाँ पे कुछ इस तरह से को देखो ना ठक्कर है बिल्कुल शर्मा हाँ चिल्लिया भाई यार चिल्लिया भाई शर्मा है मेरा कैमरा सामने है ये क्लिप तो जाएगा तो देख पा रहे होंगे जो मेन पात्र हैं मतलब इस रामलीला के इस वर्ष के जो रामलीला के मेन पात्र हैं वो हैं ये हमारे भाई सज्जू सिंह दोसाज जी ये हैं राम के पात्र हाथ जोड़ दे ये हैं हमारे राम के पात्र उनसे हाथ जुड़वा दिए हमने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम और बाकी ये देख पा रहे होंगे हमारे बूबू जी ये हैं हर वर्ष तुलसीदास के पात्र हैं और बाकी राक्षस माया आती है जांगड़ वाले यह मेघनाथ के पात्र जो कि इस वर्ष जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे चाचा जी को हनुमान का पाठ खेलने के लिए लेकिन चाचा नहीं खेलेंगे मुझे पता है ये शिव जी बाबा नवीन सिंह दोसाज जी इनका नाम है और इस बार जो है बर्बाद नहीं करो भोलेनाथ का पाठ खेलने को बोला था बोल रहे बर्बाद नहीं करो बोलने का ये बनने वाला है सूर्पनखा का दूसरा रूप राक्षसी माया में जाने वाला है ये भी और बाकी ये सब राक्षस बनेंगे वानर बनेंगे बाबा इस बार तुम्हारे लिए भोलेनाथ का पाठ फिक्स है ठीक है पहली शाम को हाँ ये आने वाले अध्यक्ष हैं ये ठीक हो रहा है सब ठीक हो रहा है ये आने वाले अध्यक्ष हैं हमारे अच्छे चाचा जी को ऐसे प्रेशर किया जाएगा प्रेशर दिया जाएगा हमारे मोना सिंह चाचा जी की तरफ से कि मतलब हनुमान का पाठ खेलें तो चाचा क्या कहना चाहेंगे आप मतलब खेलना चाहिए वैसे सूट करेगा ना बिल्कुल मस्त करके खेल आप कुछ सवाल जवाब करेंगे आप उसकी मन की बात है आपको सवाल जवाब कीजिए ना हर दूषण ये राक्षसी माया में जाना चाहेंगे हमारे चाचा जी तो ये हमारे लक्ष्मण जी कुछ कहना चाह रहे हैं सुग्रीव में जचेंगे सुग्रीव के पार्ट के लेवल ये मैंने कभी खेला ही नहीं है खेला ही नहीं ना वैसे भी तो वो चीजें सूट भी नहीं करती है बल्कि कहीं ना कहीं लेकिन खर दोषण जो है सूट कर जाएगा कहीं ना कहीं आप दोनों को खासकर है ना Thank you.